नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्सल स्कूल एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो सीरीज में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो वीलुकअप की कैटेगरी नंबर 2, जिसमें हम बात करते हैं वीलुकअप लिस्टिंग के बारे में, वीलुकअप ट्रिक्स के बारे में। इसमें हम बात करेंगे आज मल्टीपल शीट से लुकअप कैसे करेंगे। अगर आपको एक प्रैक्टिस शीट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए और सिक्वेंसली सारे वीडियो चाहिए वीलुकअप सीरीज की, तो आप मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें। मोबाइल ऐप की जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे आईओएस एंड्रॉइड दोनों का लिंक मिला हुआ है। डाउनलोड करके सारे वीडियो सीरीज ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना जरूर भूलें। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो वीलुकअप ट्रिक्स की वीडियो सीरीज की ये पांचवी वीडियो है, जिसमें हम बात कर रहे हैं मल्टी शीट वीलुकअप। मेरे पास जो डेटा है ना, दो अलग अलग फाइल या दो अलग अलग शीट है जो आप देख पा रहे हैं। जैसे 1 से लेकर 44 तक का जो 44th ID तक का जो डेटा है, डेटा नंबर 1 में है, और दूसरा जो है 45 से लेके आपका यहाँ पे 242 तक का जो डेटा है, वो डेटा शीट नंबर 2 में। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ आईडीज का डेटा निकालने के लिए आया गया। अब ये डेटा प्रॉब्लम ये है, डेटा दोनों सीट में से किसी सीट में हो सकता है। अब वीलुकअप कभी भी एक बार में दो सीट से वीलुकअप नहीं लगाए, तो मैं यहां पे एक बार में एक सीट से ही वीलुकअप लगा सकता हूं। वीलुकअप और चला मैं डेटा 1, हमने डेटा को सिलेक्ट किया एंड कॉमा, यहां पे हमने नॉर्मली 2 दिया कॉमा 0 का 2 आ गया डेटा, या 2 के जगह पे मैं मैच फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, जैसे कि हमने पिछले वीडियोज में आपके साथ डिस्कस किया है। तो मैच और डेटा 1 में गया और डेटा ए ले लिया एम कॉमा 0। अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले हम फ्रीज कर लेंगे, हम कर लेंगे बाद में, बट प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही यहाँ पे 1 को फ्रीज कर देता हूँ मैं पहले, और A1 से A5 को भी फ्रीज कर देता हूँ, इसको भी तो फ्रीज कर ही रहा हूं, तो सबको कर देता हूँ फ्रीज, इसको भी फ्रीज कर देता हूँ और A2 का A फ्रीज कर देता हूँ। अब इसको नीचे के ड्रैग तब ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ इन नया है, क्यों? क्योंकि ये डेटा है ही नहीं। अब इस तरह की मिक्सअप नंबर होंगे तो पता लगाना मुश्किल होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें से इसको एक और एक बार और मैं यहाँ पे वीलुकअप लग रहा हूँ। वीलुकअप में हमने आई नंबर को सिलेक्ट किया और इस बार डेटा 2 में चलेगा। मैं पहले में डेटा 1 लगाया तो इस बार डेटा 2 में गया, डेटा 2 में डेटा को सिलेक्ट किया, यहाँ पे कॉमा 2 कॉमा 0 करके एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ एन में आया। लेकिन जब नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ रिजल्ट है, तो मुझे ये दोनों वीलुकअप एक ही सीट में चाहिए। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला इफ एरर। इफ एरर फॉर्मूला, अगर पहला एरर दिया तो दूसरा शो करे, पहले रिजल्ट दिया तो दूसरा नहीं शो करे, ये इस तरह से। तो ये अलग अलग सेल में लगाया, अब इसको इकट्ठा एक सेल में हम लगाएंगे। इसको कॉपी किए, यहाँ पे आए, B2 के जगह पे इसको डाल दिया, यहाँ पे कॉपी किया और ये आपका C2 के जगह पे डाल, इसको कट करके यहाँ रखिए, नीचे तक ड्रैग करना होगा, लेकिन ड्रैग करने से पहले फ्रीज करना जरूरी होगा। तो दोनों फॉर्मूला हमने कर दिया। अब यहां पे हमने 2 मैनुअली 2 लिखा है, अब इसमें हमने A को फ्रीज कर दिया, यहां A से M को फ्रीज किया। अब जो मैनुअली मैंने 2 लगाया, इस 2 के जगह पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला किसका, मैच का। मैच में हमने डेट को सिलेक्ट किया कॉमा, डेटा 2 में चला गया। अब हो सकता है डेटा 2 में अलग सिक्वेंस हो, तो डेटा 2 से हमने यहां पे मैच कर दिया, एंटर प्रेस करते। यहाँ पे 2 की जगह पे मैं लगाया फॉर्मूला मैच, मैच में मैंने डेट को सिलेक्ट किया कॉमा, यहाँ डेटा 2 में आया, डेटा 2 को सिलेक्ट किया कॉमा 0, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके, सही है।
अब इसको आगे बढ़ने से पहले, ड्रैग करने से पहले मुझे यहां ए को फ्रीज करना होगा, डॉलर साइन से ए एम को फ्रीज करना होगा। और यहां बी वन का वर्क, तो ऐसे अलग अलग लगा दीजिए या फिर एक साथ लगा दीजिए, वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, और फिर आगे के अंदर ड्रैग कर दीजिए, पूरा डेटा दोनों शीट से आएगा। अब कंफ्यूजन है तो मैं सिंपल सा एक सिंपल तरीका बताता हूं कि कैसे मैंने किया। दोबारा से देखिएगा, मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया इक्वल इफ एरर, इसका लगाया इफ एरर। अब इफ एरर में दो है कि वैल्यू एंड वैल्यू एरर, मतलब कि यहां पे हम दो फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अगेन वी लुकअप लगाया, इसमें हमने 26 को सिलेक्ट किया, डेटा वन में चले गए और डेटा वन में मैंने इसको डेटा सिलेक्ट करके इसका कॉलम नंबर वन एंड टू करके कॉमा जीरो कर दिया। अब यहाँ पे और एक आ रहा है वी लुकअप, यहाँ पे एक बार और मैंने यहाँ पे कॉमा दिया, एक वी लुकअप और लगा। अब इसमें जो है हम मल्टीशीट का एक सीट नंबर सिलेक्ट करा, अब यहाँ देखिए इतना बड़ा नाम आ गया दिख रहा है आपको, तो इस नाम को कर दीजिए यहां से डिलीट, सिर्फ ए थ्री है इसकी जरूरत नहीं, एंड कॉमा। अब चले गए हम यहाँ पे डी टू में, डी टू को सिलेक्ट किया एंड कॉमा टू कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एक बार और क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। मतलब यहाँ पे सिंपल से समझिए कि हम दो अलग अलग सीट में जो वी लुकअप लगा रहे थे वो दोनों सीट का वी लुकअप यहाँ पे इकट्ठा लगा, सिंपल क्या कर दिया इकट्ठा लगा। बाकी कॉलम नंबर को ऑटोमेट करने के लिए आप मैच लगा दें, और जो भी तरीका मैंने इससे पहले बताया था उसको आप यहाँ पे लगा सकते। ये हुआ वी लुकअप मल्टीशीट। अगर मान लीजिए तीसरा सीट से अगर हुआ तो, तीसरी सीट हुई तो मैं इसके आगे एक और वी लुकअप एरर लगाऊंगा और लास्ट में एक और वी लुकअप लगाऊंगा, और चार सीट हुआ तो फिर इसी तरह से। अब मैंने यहाँ पे अलग अलग सीट लिया है, आप अलग अलग फाइल भी ले सकते हैं। इस प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कीजिए और खुद से ट्राई करके देखिए। रिकॉर्डिंग स्टॉप। आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट डाउनलोड कर ले ताकि ये प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाए। थैंक यू।